पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट है कि इस मामले में हैदराबाद से गिरफ्तार दो संदिग्ध नासिर और इमरान की पटना में NIA कोर्ट में पेशी होगी, जिसके लिए उन्हें पटना लाया जा रहा है। चंद्रमोहन जुड़ रहे हैं लाइव। चंद्रमोहन, तो क्या ट्रांजिट रिमांड हो चुकी है इनकी, और फिर उसके बाद जब NIA कोर्ट में लाया जाएगा तो किस आधार पर इनको वहां पेश किया जाएगा और इनकी कस्टडी की मांग की जाएगी? बिल्कुल, देखिए अभी हम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो दोनों लोग गिरफ्तार किए गए हैं सिकंदराबाद से, उनको अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि यहाँ पर लाकर और NIA कोर्ट में उनकी पेशी होगी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जब इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद NIA की टीम लगातार उनसे पूछताछ कर रही थी, और उसके बाद हैदराबाद से ट्रांजिट रिमांड पर फिर इनको यहाँ पर लाया जा रहा है, और यहाँ पर पेशी के बाद फिर हो सकता है कि इनको NIA की जो स्पेशल टीम है वो रिमांड पर लेगी और उसके बाद आगे पूछताछ की जाएगी। माना जा रहा है कि ये जो दोनों लोग गिरफ्तार हुए हैं इनसे कई अहम जानकारियां मिली हैं और आगे भी कई खुलासे हो सकते हैं। जाहिर सी बात है जो NIA की टीम है जब जांच कर रही है तो उनको एक और जानकारी मिली है, और जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक ये जो पार्सल था इसमें सेंसर लगा होने का शक है कि उसी के जरिए चलती ट्रेन में पूरे ट्रेन को बर्निंग ट्रेन बनाने की कोशिश इन आतंकियों की थी। हालांकि ये अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए, और अब NIA धीरे धीरे इस जैसे जैसे इस पूरे मामले की जांच कर रही है परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। तो अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि यहाँ पर ये जो दोनों गिरफ्तार किए गए हैं आतंकी, इनको यहाँ पर NIA कोर्ट में ले जाया जाएगा, और उसके बाद पेशी के बाद जो NIA की वकील हैं वो इसमें उसे रिमांड लेने की मांग करेंगे। लेकिन अब कोर्ट के ऊपर निर्भर होगा कि आगे उनको रिमांड मिलता है या फिर उनको आगे किस तरह की उनके ऊपर कार्रवाई होती है, ये सब कुछ कोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि ये दोनों यहाँ पर कोर्ट ले जाए जाएंगे और उसके बाद पेशी के बाद आगे की कार्रवाई होगी। चंद्रमोहन, आप बने रहिए मेरे साथ यहाँ अखाड़ा में और न्यूज 18 इंडिया पर। एक और बात आपको बताना चाहेंगे कि दरभंगा में